أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Dear kids, hope you all are fine by the mercy of Almighty Allah. Myself, Ma'am Zareen, your mathematics tutor. Again, I welcome you in my fourth lecture. And in this presentation, we will discuss about the properties of multiplication. Dear students, properties of multiplication include commutative property, associative property, property of zero, property of one, and the distributive property. Let us discuss about all the properties of multiplication in detail. Commutative property of multiplication states that if the order of two numbers is changed, a multiplication sum, the product remains the same. जिसका मतलब ये है कि in case of multiplication, if we change the order of two numbers, यानी अगर हम दो numbers की position ऑर्डर को चेंज करते हैं, जो हमारा प्रोडक्ट है वो सेम रहेगा। यहाँ पे हम एग्जांपल के ज़रिए इसको अंडरस्टैंड करेंगे। हमारे पास दो नंबर्स है, 1,35,891 एंड 9। व्हेन वी मल्टीप्लाई 1,35,891 बाय 9, द प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू 12,23,019। And now if we change the order of two numbers, 9 and 1,35,891, we get the same answer as 12,23,019. So we can say that multiplication is commutative. Now, associative property. Associative property of multiplication states that if the grouping of numbers in a multiplication sum is changed, the product remains the same. अगर हमारे पास numbers है और हम उनको किसी भी तरीके से grouping करेंगे और किसी भी तरीके से grouping करने के बाद हमारा जो final answer होगा, हमारा जो product होगा वो same ही रहेगा. एग्जाम्पल के ज़रिए इसको अंडरस्टैंड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल वी हैव थ्री नंबर्स, 15, 10 एंड 12। वैन वी मल्टीप्लाई दैम बाई ग्रुपिंग फर्स्ट 10 एंड 12। आफ्टर मल्टीप्लाइंग 10 एंड 12 वी गेट 120। एंड जब हम 120 को थर्ड नंबर जो कि हमारा 15 है मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1800 आता है। अगर हम देखेंगे कि अब हम रीग्रुपिंग करेंगे, हम अब दो और नंबर्स की ग्रुपिंग करते हैं। यहाँ पे अगर हम 15 और 10 लेंगे, पहले 15 और 10 को मल्टीप्लाई करना है, वो 150 आता है। आफ्टर मल्टीप्लाइंग 150 विद द थर्ड नंबर वी गेट 1800 आल्सो। इसी तरह यहाँ पे हम 15 को अब 12 के साथ ग्रुपिंग करते हैं, इन दो को पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आता है। 180 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 1800 आता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि हम किसी भी तरीके से ग्रुपिंग करेंगे। पहले हमने 10 और 12 को ग्रुप बनाया, फिर 15 और 10 का, 15 और 12 का, तो हमारा जो फाइनल जो प्रोडक्ट था वो हर एक सूरत में, हर एक केस में 1800 ही आया। सो इट इज़ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दैट स्टेट्स अस ग्रुपिंग ऑफ नंबर्स इन अ मल्टीप्लिकेशन सम, If a grouping is changed in the multiplication sum, the product remains the same. It will never change. Now, property of zero. In property of zero, if a number is multiplied by zero, what we get? What will be the product? The product will be the zero. यानी कि अगर हम किसी number को multiply करेंगे zero के साथ, हमारा जो product आएगा वो zero ही होगा। एग्जाम्पल के ज़रिए हम समझेंगे, अगर हम 5,263 को मल्टीप्लाई करेंगे ज़ीरो के साथ तो वो ज़ीरो ही आएगा, या किसी भी नंबर को या ज़ीरो के किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वो ज़ीरो ही आएगा।
जैसे यहाँ पे 0 को 5263 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा. नाउ प्रॉपर्टी ऑफ 1. प्रॉपर्टी ऑफ 1 स्टेट्स दैट इफ़ ए नंबर इज़ मल्टीप्लाइड बाई 1 द प्रोडक्ट इज़ द नंबर इट्सेल्फ. यानी अगर किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो वो प्रोडक्ट उसका वही नंबर आएगा. या एग्जाम्पल के ज़रिए हम समझेंगे, 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 5 ही आया, 55 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 55 ही आया, 555 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ 555 ही आया. सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कोई भी नंबर अगर हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो वापस वही नंबर ही आता है. चाहे कोई भी नंबर होगा, कितना भी बड़ा नंबर होगा, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर वापस आता है. जैसे आपने इन केस ऑफ एडिशन देखा, वहाँ पे हम 0 को किसी भी नंबर के साथ ऐड करते हैं तो वो नंबर वापस आता है. लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 1 के साथ तो वही नंबर वापस आता है. वी कैन से दैट इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन 1 इज कॉल्ड द मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी. नाउ मूविंग टुवर्ड अनदर प्रॉपर्टी दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. एंड द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट द प्रोडक्ट ऑफ द सम और डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स विद अ थर्ड नंबर रिमेन्स द सेम इवन विद द टू नंबर्स आर मल्टीप्लाइड सेपरेटली बाय द थर्ड नंबर एंड देन एडेड और सब्ट्रैक्टेड. यहाँ पे जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट ऑफ सम और डिफरेंस, कोई भी दो नंबर्स अगर हम उनको सम करते हैं या माइनस करते हैं वो थर्ड नंबर के साथ, जो उनका प्रोडक्ट होता है, पहले हम उनको सम करते हैं या माइनस करते हैं फिर प्रोडक्ट करते हैं विद द थर्ड नंबर, तो या वो बराबर होता है कि अगर हम उनको सेपरेटली मल्टीप्लाई करेंगे विद द थर्ड नंबर या मल्टीप्लाई करेंगे या ऐड करेंगे विद द थर्ड नंबर. यहाँ पे एग्जांपल के ज़रिए हम समझेंगे. हमारे पास नंबर है 50+20×10. अगर पहले हम 50 और यहाँ पे हम लेंगे 50 और 20, ये हमारे पास तीन नंबर्स हैं 50, 20 और 10. जब हम 50 और 20 को पहले ऐड करते हैं वो 70 आता है, फिर जो 70 है ये हमारा जो ये हमारा सम है, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं थर्ड नंबर के साथ, दैट विल बी इक्वल टू 700. इट विल बी इक्वल टू, अगर हम चाहेंगे कि हम अलग से सेपरेटली इनको करेंगे मल्टीप्लाई, पहले 50 को 10 के साथ करेंगे या 20 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 50 × 10 इक्वल टू 500, 20 × 10 इक्वल टू 200, दैट विल आल्सो बी इक्वल टू 700. यही इसका मतलब है कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन में जब हम डिस्कस करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, इसको हम सिम्बॉलिकली कैसे लिखते हैं, इसको हम सिम्बॉलिकली लिखते हैं ए इंटू b plus c. वो बराबर होता है a इंटू बी प्लस a इंटू सी. तो पहले आप ऐड करके थर्ड नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो या अलग से इंडिविजुअली थर्ड नंबर के साथ इनको मल्टीप्लाई करो, इट विल बी ऑलवेज इक्वल टू. जैसे आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे भी 700 आया, यहाँ पे भी 700 आया, कोई फ़र्क नहीं है. दिस वॉज द मल्टीप्लीकेशन लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन लॉ ओवर एडिशन. अगर हम इसी तरह मल्टीप्लीकेशन लॉ ओवर सब्ट्रैक्शन देखेंगे, यहाँ पे भी पहले हम दो नंबर्स को माइनस करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू, और माइनस करने के बाद हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड नंबर के साथ, वो बराबर होगा अगर हम अलग अलग से दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे. जैसे यहाँ पे हम 50 को 20 के साथ पहले मल्टीप्लाई करेंगे या 50 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वो बराबर वही 300 आएगा. जैसे आपने यहाँ पे देखा, सो डियर स्टूडेंट्स दैट वाज ऑल फॉर टुडे. स्टे होम, स्टे कनेक्टेड, फी अमानिल्लाह.